परमिशन नहीं मिल पाई थी, रैली होगी या रैली के ऊपर तारीख पर तारीख है, क्या होगा? नहीं, रैली होगी, मेरा प्रशासनिक अधिकारियों से बात हो चुकी है, उन्होंने कह दिया है कि कलायत की परमिशन हम आज आपको दे देंगे। दो तरह के मुद्दे आए हुए हैं, जैसे टिकटों का बहुत लंबा थोड़ा थैला या ढेर लगे हैं कहीं टिकटों के कांग्रेस के, तो ये कांग्रेस की टिकट है किसकी जेब में, देनी किसने है, ये किसके पास है ये टिकट? देखिए, पहले तो चुनाव है पार्लियामेंट का, और मैंने जैसे बताया कि टिकट उसी को मिलती है जिसका लोग कैंडिडेचर स्वीकार कर ले, और चुनाव वही जीतते हैं, पार्टी उन्हीं को टिकट देती है जिनका कैंडिडेचर बढ़िया है, जिताऊ है, टिकाऊ है। तो इसलिए तो हम अपना हिसाब ला लो। अब भाई बात अब यह बात या भाई, दो प्रकार के घोड़े हैं, एक तो दर्शनी घोड़े चुकरा भाई बरात कर मगर बरात माओ में बैंड बाजे तो डर देनी चुकट रहे कि वो माठे हैं फड़क देनी, एक जंगी घोड़े, जंगी घोड़े लड़ाकू घोड़े हैं, लड़ते हैं मैदान में, और ये जो है ये दिखाऊ। तो ये थोक में जो टिकट की ये दूसरे लोग जो कहते हैं, आपकी पार्टी के लोग ही कहते हैं कि थोक में टिकट है, कई उम्मीदवार टिकट लेने के लिए रेस कर रहे, कोई रैली कर रहा है, कोई जनसभा, कोई यात्रा, जयप्रकाश जी क्या कहते हैं इस बारे में? जो पार्टी की अनुशासन कमेटी है, ये राइट किसके पास है? ये राइट हमारे पार्टी के अध्यक्ष है चौधरी उदयभान, और हमारे नेता प्रतिपक्ष है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो मुझे नहीं पता कौन क्या कहता है कौन क्या कर रहा है, लेकिन जो ये 3 तारीख को रैली है ये कांग्रेस पार्टी की जो एक हमारी कमेटी बनी हुई है पूरे हरियाणा प्रदेश में अशोक अरोड़ा की अध्यक्षता में, जन आक्रोश रैली, उसके तहत है ये पार्टी की रैली है, व्यक्ति की किसी की नहीं, व्यक्तिगत कोई रैली करे कोई किसी पर रुकावट नहीं है। जयप्रकाश जी जमूर भी आज लेके आए हैं कि जिनके सींगों में दिक्कत है सींग भी संवारेंगे, किसके सींग खराब हो गए प्रधान जी? जमूर तो नहीं लेके आया मैं, तो लोगों ने कहा है, लोग कहे मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो ऐसा कारीगर सू में नहीं, लोग बनावे मन तो जो संवारने तो लोग इख्तियार दे देंगे। प्रधान जी जेब में टिक्के लेके आ रहे हैं, वो बोल रहे टिक्के जेब में है हमारी चांदी अच्छी पार्टी की उम्मीदवारी, उन्होंने रख लेंगे फिर अपनी ने रख लेंगे जिस पे है, तो बोलते हैं तभी आदमपुर चले जाते हैं तभी चले जाते हैं। ये तो जयप्रकाश की पॉपुलरिटी से परेशान है वो लोग, वो जाके देख लियो, और कई बार ऐसे मौके हैं गए अपना इलाका छोड़ के उनका लकी अर्स होया है। जयप्रकाश तो हमेशा ही जब कहीं किसी भी पार्टी पे संकट आया तो कहीं भी लड़वा दिया, मैं तो नरवाना भी लड़िया और सबके छक्के छुटाए, मैं बरवाड़ा भी लड़ गया, मैं आदमपुर भी लड़ गया, मैं हिसार पार्लियामेंट में पार्टी से भी लड़ गया, मैं हिसार में इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट का लड़ गया, मैं एमएलए का इंडिपेंडेंट का पार्टी में इंडिपेंडेंट लड़ गया, लड़के देख लो किसी में और ब्यों तो प्रधान जी वो बोल रहे हैं इलाके चौधरी पड़े एरिए में लेके जा रहे हैं जयप्रकाश जी, चौधरी से एरिए में लेके आनी है हमने, इलाके में कौन से में ले गया मैं साइड लेके जा रहे हैं आप, रोहतक काड़ा तो काबिल आदमी है बोले, अब न्यू बताता हूँ, मैंने तो ऐसे बताया था ना, एक बार दोबारा भी बता फिर बताऊं, घर जानवर मरिया पड़िया, पानी पत के बाड़े करे, तो ऐसे में मैं ये नहीं चाहूंगा कि हरियाणा बहुत छोटा प्रदेश है, 90 विधानसभा क्षेत्र का प्रदेश है, इसको उत्तर में पूर्व में दक्षिण में पश्चिम में मध्य में नहीं बांटना चाहिए, और आज का जो कांग्रेस पार्टी का पूरा सिनेरियो है उसमें केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही उसमें खड़े उतरते हैं, और मैंने एक चरित्रवान एक ईमानदार जननायक के सिर पे पगड़ी उस वक्त बांधी थी 2005 में जब ये हमारा इलाका 2-3 परिवारों की राजनीति से दुखी और परेशान था, और उसके पगड़ी बांधने के बाद कलायत ने तरक्की करी है। मैं एक ही बात कहता हूँ पक्ष और विपक्ष के नेताओं से कि वो कलायत की धरती पर आकर के ये बताएं कि वो भी सत्ता में रहे हैं, उनके परिवार सत्ता में रहे हैं, कलायत की धरती पर कोई एक ईंट भी लाई है? जो कुछ देन है मैक्सिमम या तो देश की आजादी हरियाणा बनने के बाद जो हमारा बंटवारे में आया जो ये ओल्ड कलायत है कलायत सब डिवीजन कह दूंगा, या तो वो उस वक्त पैसा खर्च हुआ या फिर हुड्डा साहब के आने के बाद, या मैं एक आधी पार्टी में रहा डंडा सोटी बजा के किमें करवाया लिया करता, वरना वो लोग बता दें
जो कलायत की ठेकेदारी तो ले रहे हैं, कलायत में क्या किया है? महिला तो लिखी आपने बात किया, महिला तो जयप्रदास ले गया था, लेकिन वो बंद कर दिया, वहाँ तो विवाद हो रही जमीन पे। अबे नहीं, विवाद इन्हें ठीक करना है भी यार, विवाद 10 भी नपा से कर दूंगा ठीक, एसटीपी बनाए दूंगा दूर, हर कॉलेज बनाए दूंगा शहर के बीच में, राजौंद में हल हो गया ठीक, विवाद तो जान के कर रहे हैं। आप और कांग्रेस के कैंडिडेट सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र लोकसभा से बाहर के, क्या जनता स्वीकार कर पाएगी? कौन है बाहर के? सुशील गुप्ता बाहर का क्यों करे? कुरुक्षेत्र लोकसभा के गांव के तो नहीं है। अच्छा यार, ये कोई बात है यार, और मैं यही तो बीजेपी वाली भाषा क्यों बोल रहा यार, तुम कट्टर साहब करनाल के हैं। प्रधान जी राज्यसभा में जाएगा, फिर कट्टर साहब भी जाएगा, लड़ो रोज तक मैम मैं प्रधान जी अंतिम चुनाव, ये कोई बात थोड़ी है यार, मोदी साहब कोई वाराणसी के हैं। प्रधान जी कमीशन पर बोल रहे थे आप, इस सड़कों का मुद्दा प्रधान जी मुख्य रूप से कमीशन पर जी, कमीशन की हालत ये है भाई, 40% तक पहुंच गया, और तो छोटो गामा की गाड़ा का कमीशन पहुंच गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुली चुनौती देता हूं गठबंधन सरकार के नेताओं का, चाहे कलायत हो चाहे हरियाणा हो, कोई एक पुराना सरपंच ये कह दो किसी से 10 रुपए किसी हमारे कार्यकर्ता लियो, और आज सबसे पहला तो कमीशन दे आना पड़ा है। मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे कई सरपंच है जो विकास पुरुष है, अपने अपने गाँव में पंचायत में काम कराना चाहते, उन पर पैसे नहीं है, पैसे है तो नहीं पूछे कमीशन तो ले रहे प्रधान जी, कमीशन यार जिनका हाथ में ताकत है वही लेंगे, मरना कौन देगा? नाम नाम नहीं लिए करते यार, नाम नहीं लिए।